तब तक हमारा सैन्य अभियान जारी रहेगा। إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين। हुती ने आगे कहा कि इसराइल का कोई भी जहाज या जो उनका समर्थन करता है वो हुती बलों के टारगेट पर है। आपको बता दें कि यमन के आतंकी संगठन हुती को ईरान से समर्थन मिला हुआ है। हुती ने 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक इसराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद ही गंभीर घटना बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि हाईजैक किए गए जहाज के स्वामित्व, संचालन या इसके अंतर्राष्ट्रीय चालक दल के गठन में इसराइल शामिल नहीं है। जहाज पर कोई भी इजरायली नहीं है। 25 क्रू मेंबर यूक्रेन, मेक्सिको, फिलीपींस, बुल्गारिया और अन्य देशों से हैं। नेतन्याहू ने आगे अपने बयान में कहा कि यह आतंकवाद का एक और ईरानी कृत्य है जो वैश्विक जहाजरानी मार्गों की सुरक्षा के साथ साथ सहवर्ती अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के साथ आजाद विश्व के नागरिकों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हूती द्वारा लाल सागर में गैलेक्सी लीडर जहाज को हाईजैक करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि हम जहाज और क्रू मेंबर को तत्काल छोड़े जाने की मांग करते हैं। अगले कदम के लिए हम संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोगियों से सलाह लेंगे। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये जहाज आंशिक रूप से इजरायली कारोबारी के स्वामित्व वाला है जो तुर्की से भारत के लिए निकला था, लेकिन लाल सागर में हूती ने इसे हाईजैक कर लिया।